Disclaimer: This video is for education purpose only. We don't provide any tip. Good evening to all of you. आज का जो discussion रहेगा ना, वो simple रहेगा कि next week market में किस तरीके से हम reaction देखेंगे और किस तरीके से हमको अपना position plan करना है, उसके ऊपर discussion रहेगा और Monday को किस तरीके से हमको trade plan करना है, वो discussion रहेगा। तो चलिए अब start करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हमको देखना है मंथली सीपीआर। तो मंथली सीपीआर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्राइस कहाँ गया है? सीपीआर से नीचे है, वीवैप का लाइन 20 ईएमए के नीचे है और ये S1 प्रीवियस मंथ लो के आसपास पहुंचा हुआ है, तो ये फिलहाल सपोर्ट जोन के पास पहुंच गया है। तो मंडे को अगर मार्केट नीचे की ओर खुलता है तो इस जोन से सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है। तो रिवर्स भी होगा तो ऐसा नहीं है कि वन वे ऊपर की ओर चला जाएगा, हो सकता है कि फास्ट मूवमेंट ऊपर की ओर आए, लेकिन आपको क्वांटिटी कम रखना है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि वीवैप का लाइन 20 ईएमए के नीचे है, तो जैसे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन आपने देखा होगा प्राइस ऊपर तो तेजी से जाने की कोशिश किया, उसके बाद एकदम से गिर गया। क्यों? क्योंकि वीवैप का लाइन जो है 20 ईएमए के नीचे था और ये सीपीआर के पास जाने के बाद रिजेक्ट हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी ऊपर की ओर मूव आएगा तो आपको रिवर्सल के लिए प्लान करना है कि 5 मिनट का जो सेटअप है उसमें वीवैप के नीचे जैसे ही कैंडल का क्लोजिंग होगा आपको डाउन साइड का पोजीशन बनाना है और उसमें ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हो। अप साइड का पोजीशन में क्वांटिटी कम रखना है जब भी आपको इंट्राडे सेटअप में अप साइड का सिग्नल मिले। क्वांटिटी कम इसलिए रखना है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर देखेंगे तो मंथली सीपीआर में अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड है। सिर्फ ये है एक चीज़ कि यहाँ सपोर्ट के पास है। अब उसके बाद आ जाते हैं वीकली सेटअप में। तो वीकली सेटअप में भी आप देखोगे तो पिछले हफ्ते जो मंडे का दिन था उसी दिन से वीवैप का लाइन 20 ईएमए के नीचे था। तो वीवैप का लाइन अगर 20 ईएमए से नीचे है मतलब ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो आपको वन वे डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो ये S5 लेवल पे आ चुका था और अगर हम देखेंगे तो मंथली जो सपोर्ट लेवल है वो यही लेवल है। तो मंडे के दिन अगर मार्केट खुलता है और इस सपोर्ट लेवल से ऊपर उठने की कोशिश करता है वो सीपीआर तक जाने की कोशिश करेगा, है ना। अब आ जाते हैं हमारा इंट्राडे सेटअप में। तो इंट्राडे सेटअप में देखेंगे तो अगर प्राइस सीपीआर के पास जाता है और सीपीआर के पास वीवैप से रिजेक्ट होकर नीचे एक रेड कैंडल बनता है, तेजी से नीचे आएगा। अगर मार्केट को ऊपर की ओर उछाल करना है तो वो उसको वीवैप के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए और वीवैप के ऊपर क्लोजिंग होगा तो आपको क्वांटिटी कम रखना है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखोगे तो मंथली सीपीआर में डाउन ट्रेंड है, वीकली सीपीआर में डाउन ट्रेंड है। तो जब हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में है तो इंट्राडे सेटअप में क्या होगा कि ऊपर जाने के लिए उसको बहुत मुश्किल होगा और नीचे आएगा तो एकदम तेजी से नीचे आएगा। तो ऊपर जाने के लिए जब भी आप पोजीशन बनाओगे, मान लो सिग्नल दे रहा है कि ऊपर जाएगा, वीवैप के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग हो गया 5 मिनट के कैंडल का, तो वीवैप के ऊपर क्लोजिंग होगा तो आपको क्वांटिटी कम रखना है। तो ऊपर की ओर क्या है कि वो कभी भी धोखा देके नीचे आ सकता है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम डाउनवर्ड है। तो ये देख लेना कि अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होके ऊपर जहाँ तक जाता है जाने दीजिए और रिवर्स होके जैसे ही वीवैप के नीचे अगर रेड कैंडल का क्लोजिंग होगा आप आँख बंद करके डाउन साइड का पोजिशन बना सकते हो। तो मंडे के लिए तो सिंपल है कि वाइडर सीपीआर है तो ऊपर की ओर जाएगा भी, तो ये R1 लेवल तक ही जा सकता है, उससे ऊपर मुश्किल लग रहा है। और जहाँ से भी रिवर्सल होगा तो यहाँ पे देख लेना कि वीवैप के नीचे जो भी रेड कैंडल बनेगा डाउन साइड का पोजीशन आप बना सकते हो। ठीक है, तो ऊपर की ओर थोड़ा मुश्किल होगा और नीचे आएगा तो सपोर्ट एरिया पे है, तो मंडे के दिन हो सकता है कंसोलिडेट कर दे एक रेंज में। ठीक है, तो मंडे के लिए आप बड़े ट्रेड नहीं लेंगे, मंडे के लिए आप स्कैल्पिंग मोड में जा सकते हैं। ठीक है, अगर वीकली पूरा वीक का सिनेरियो देखें तो वीक के सिनेरियो के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट अगले हफ्ते भी बढ़ा आ सकता है अगर वो डिसाइसिवली इस रेंज को ब्रेक कर देता है। ये अगर आप देखोगे तो S1 प्रीवियस वीक लो के आसपास ही है लगभग, तो इसको अगर ब्रेक कर देता है तो आप देखोगे कि नीचे की ओर फिर से बड़ा फॉल आ जाएगा। लेकिन ये एकदम से मेजर सपोर्ट लेवल का काम करेगा, तो ऊपर की ओर जाएगा तो कहीं ना कहीं से रिवर्स होके फिर इस लेवल पे आएगा, फिर यहाँ पे परेशान कर सकता है। इसका अगर पास्ट एग्जांपल देता हूँ तो पास्ट में अगर वन डे कैंडल में देखेंगे तो वन डे कैंडल में आपको दिख रहा होगा
पिछले बार भी जब VWAP का लाइन 20 EMA के नीचे आया था तो S1 प्रीवियस मंथ लो के पास टाइम बिताया था और सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। यहाँ पे भी अगर टाइम लंबा बिता देता है और ऊपर की ओर ब्रेक होता है तो फिर से ट्रेंड रिज्यूम कर जाएगा। अगर इसको टाइम बिताने के बाद नीचे की ओर ब्रेक करता है तो नीचे की ओर चला जाएगा। तो ये जोन है हमारा, आने वाले दिनों में यही मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहीं पर 2-3 दिन बिता देता है इसी लेवल के आसपास, उसके बाद अगर ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर की ओर मूवमेंट आ जाएगा, अगर नीचे तोड़ेगा तो नीचे की ओर आपको शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को 24,000 लेवल पे लेके आ सकता है, 24,000 के लेवल पे। ठीक है, तो ये तो सिनेरियो हो गया मंडे के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए। और मंथली सिनेरियो भी देखेंगे तो मंथली सिनेरियो भी क्लियर कट डाउनवर्ड ट्रेंड में है अभी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।